हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज फॉर यू फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी में नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए जो एडमिशन हो रहे हैं उसके रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करनी है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। और फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप एक साथ मल्टीपल कोर्सेज को कैसे सिलेक्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। ऑल्सो, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मैं जैसे ही वीडियोज़ डालूँ आपको नोटिफिकेशन के थ्रू अपडेट मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को शुरू करते। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट लेवल करके लिखा रहे, तो ये आपको अपनी तरफ से कुछ स्टेप्स दी हुई वो प्रोसेस में आपको फॉलो करनी है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पोर्टल पर आना है, rtmenu.university। उसके बाद आपको स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन करना है पोर्टल पर। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड जनरेट करेंगे, ऐसा इसमें बताया गया है। उसके बाद आपको फिर से लॉग इन करना है और आपकी एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरना है। उसके पास आपको डिटेल्स भरते वक्त आपको एक अपनी फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, और जो स्कैन कॉपी है मार्कशीट की 10th और 12th की वो कंपलसरी अपलोड करना है, ऐसा इस नोटिस में बताया गया है। और फ्रेंड्स, अगर से आपके पास शॉर्ट डॉक्यूमेंट होगा मार्कशीट के मार्कशीट ना होने के कारण आपके पास कोई अलग डॉक्यूमेंट होगा तो वो भी आप अपलोड कर अपने एडमिशन प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। और फ्रेंड्स, आपका जो अगर आफ्टर कम आपका जो एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको 20 रुपीज़ पे करना है हर एक कोर्स के हिसाब से। जैसे आपने 2-3 कोर्स सिलेक्ट करे हो तो आपको 20-20 करके हर एक कोर्स का फ़ीस पेमेंट करना है। उसके बाद आपका जो फॉर्म फ़ीस पेड करने के बाद आपको एक एडमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो जनरेट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको उसकी प्रिंटआउट लेना है। और फ्रेंड्स, फिर इसके बाद जो स्टेप्स होती है वो है कॉलेज लेवल की स्टेप्स। सो फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट अप्लाई करेगा कॉलेज, जैसे आपको जो कॉलेज में अपना एडमिशन लेना है तो उसके बाद आप उस जो कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है वहाँ आपको चले जाना है ARN नंबर लेके। फिर जो कॉलेज है वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा जो आपने पोर्टल पर अपलोड करे। उसके बाद आप कॉलेज वो उस डॉक्यूमेंट को एडिट डिलीट भी कर सकता है स्टूडेंट्स के द्वारा, उनके द्वारा। और फ्रेंड्स, जो कॉलेज है वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो डाउनलोड करेगा। उसके बाद कॉलेज भी वही रेगुलर एडमिशन प्रोसीजर जो है वो फॉलो करेगा। उसके बाद जो है आपकी फाइनलाइजेशन मेरिट लिस्ट निकलेगी ARN नंबर के द्वारा, जितने भी स्टूडेंट्स को उस कॉलेज में एडमिशन मिला है उस हिसाब से आपको ये सारी स्टेप्स फॉलो करनी है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ आप एक साथ 3-4 कोर्सेज को कैसे सिलेक्ट करते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स, उसके स्टेप्स कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर आ जाना है, rtmenu.university। उसके बाद आपको लॉगिन करना है पोर्टल के थ्रू। लॉगिन के बाद आपको अप्लाई कोर्स पर क्लिक करना है और एडिंग अदर कोर्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने कोर्स सिलेक्ट करना है और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। और उसके बाद कोर्स कंफर्म करने के बाद हर एक कोर्स का प्रिंटआउट निकालना है, मतलब अलग अलग प्रिंटआउट मिलेंगे। जैसे आपने 3-4 कोर्सेज के लिए अप्लाई करे हो तो उसके हिसाब से आपको 3-4 प्रिंटआउट उसके हिसाब से आपको मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही अपडेट्स और एजुकेशनल से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बीच में जो टेक्निकल ग्लिच हो गया होगा उसके लिए सॉरी। मिलते हैं ऐसे किसी अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और आप अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी से करवा लीजिए। Oh, oh, oh.